Hello friends, this is Sumit Bahadur and welcome to episode 21 of your most favorite podcast channel Vision 100, जहां पर हम डिस्कस करते हैं all the things in our journey as a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model, जहां पर we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारे बिजनेस में वी फाइंड अ लॉट ऑफ कपल्स बिल्डिंग दिस बिजनेस, इवन दो वी हैव सिंगल्स बिल्डिंग दिस बिजनेस सक्सेसफुली, लेकिन उनके टीम में भी वी फाइंड दैट देयर आर मेनी कपल्स हु आर चूजिंग टू बी एंटरप्रेन्योर्स। और हमारे बिजनेस में और लाइफ में एक कहावत है कि 1+1 इन अ मैरिज इक्वल्स 11, एक और एक शादी में मैरिज पार्टनरशिप में 11 होते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो सिनर्जी आपकी मैरिज रिलेशनशिप में होती है, that actually can bring a lot of benefit to your business as well. अगर home team strong है तो आपका business भी बहुत strong होगा। और मैंने क्या देखा है कि one of the strong benefits of our business is that जब husband and wife साथ साथ मिलकर काम करते हैं, not only are they life partners but they also become business partners. तो जैसे जैसे उनका business बढ़ता है, जैसे जैसे वो अपने individual goals, अपने personal financial goals, अपने family goals set करते हैं, साथ साथ अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, दे स्टार्ट रीडिंग सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प बुक्स टुगेदर, साथ साथ वो ऑडियो सुनते हैं, दे स्टार्ट एसोसिएटिंग विद अदर लाइक माइंडेड पीपल एंड कपल्स, शेयरिंग पॉजिटिव स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, ट्रैवलिंग टुगेदर। तो जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है, उनके फाइनेंसिस ग्रो होते हैं, सिमिलरली देयर सोशल सर्कल ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्गर। एंड द सेम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सेट उनको ज़रूरी होता है बिजनेस ग्रो करने के लिए, द वेरी सेम स्किल सेट ऑल्सो हेल्प्स देम टू कीप देयर मैरिज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। तो बहुत सी बार क्या होता है कि कपल्स आर एक्चुअली प्रेफरिंग टू बिल्ड दिस बिजनेस बिकॉज दे फील लाइक दे कैन हैव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस बाई बिल्डिंग टुगेदर दिस बिजनेस, एट द सेम टाइम एंजॉइंग द मैरिज एंड कंपेनियनशिप ऑल्सो। बट मैंने क्या देखा है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ की ट्यूनिंग साथ साथ ठीक नहीं बैठती है तो बेनिफिट्स के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। इफ द हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज़ नॉट ट्यून्ड प्रॉपरली, इट कैन ऑल्सो थ्रो अ लॉट ऑफ कर्व बॉल्स एंड अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस इन देयर वर्किंग टुगेदर विच कैन बी डेट्रीमेंटल। सो लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस एंड लेट्स सी हाउ वी कैन ओवरकम दैट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, टुडेज मैरिड कपल्स दे आर फेसिंग अ नंबर ऑफ चैलेंजेस। ये बात तो तय है कि आज के मैरिड कपल्स जो हैं उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि इट इज़ हार्ड फॉर देम टू फाइंड टाइम फॉर ईच अदर, एस्पेशली जॉब के साथ साथ टेकिंग केयर ऑफ किड्स इफ दे हैव किड्स, मेकिंग टाइम फॉर देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली मेम्बर्स, क्लोज फ्रेंड्स। और वो इतनी सारी मल्टीटास्किंग करते हैं, इतनी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि मेनी अ टाइम दे आर स्प्रेडिंग themselves थिन। वो इतनी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि किसी एक चीज़ पे उनका अटेंशन, एक समय पूरा ध्यान जो है फोकस नहीं हो पाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हस्बैंड एंड वाइफ बीइंग सो बिजी आर नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर एंड एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी। सो नाउ व्हेन दे आर बिल्डिंग द बिजनेस दे गेट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़रूरी है उनके लिए कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सही होना बहुत ज़रूरी है। एक ओपन कम्युनिकेशन रिलेशनशिप में, मैरिज में भी और साथ साथ बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन गैप आ जाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है किसी भी रिलेशनशिप में। और हमारे बिजनेस में चूंकि हस्बैंड वाइफ नीड टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, तो इस हस्बैंड वाइफ बिजनेस रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए। आपके पार्टनर के साथ क्या सिचुएशंस हो रही हैं, व्हाट आर दे फेसिंग, व्हाट्स हैपनिंग, तो एक दूसरे को बताते रहना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है। बिकॉज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ आर गोइंग टू बी हैविंग डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, डिफरेंट स्किल्स, और वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अगर वाइफ को पता है कि हस्बैंड के साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो अपना काम जो है उस अनुसार कर सकती है। शी कैन एक्चुअली चेंज द पैटर्न ऑफ हर वर्किंग टू हेल्प द हस्बैंड। एंड सेम वे हस्बैंड कैन एक्चुअली कवर द वाइफ्स ब्लाइंड स्पॉट्स, अगर उसको पता है कि शी इज़ फेसिंग चैलेंजेस इन सम एरियाज जहाँ पर शी इज़ नॉट वेरी वेल इक्विप्ड। सो ओपन कम्युनिकेशन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट हियर। अलॉन्ग विद ओपन कम्युनिकेशन, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट
to basically spend time to listen to each other properly. Because listening जो होती है, it's actually a skill. ये है तो छोटा सा word, listen. लेकिन इसको अगर हम लोग बहुत ही गहराई से समझें, तो listening actually means कि आप उस वक्त सब काम छोड़ के, you know, you are paying attention to what your spouse is telling you, ताकि उसको ये महसूस हो सके that you are there for them at that moment. होता क्या है कि बहुत ही बार हम लोग जो हैं मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं और दो काम एक साथ करेंगे. हस्बैंड की आदत होती है कि वाइफ कुछ बोल रही है बिज़नेस के बारे में या फैमिली के बारे में, तो वो लैपटॉप पे होते हैं या फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन बीच बीच में आ जाता देख लेते हैं. या वाइफ जो होती हैं कभी कभी किचन में काम करते करते सुन लेती हैं बिकॉज दे फील दैट दे कैन डू टू थिंग्स एट द सेम टाइम. बट आई फील लाइक If you want to make the husband-wife partnership and the business partnership very well, then dono ko they have to practice good listening skills with each other. Ek dusre ko samajhna, ek dusre ko ye mehsoos karana ki you are basically listening to them and compassionately understanding them, empathizing with them. Ye bahut bahut zaruri hai. Also, it's very important to basically schedule time together. हस्बैंड एंड वाइफ का समय जो होता है कहाँ निकल जाता है पता नहीं होता है. इफ़ द हस्बैंड इज़ बेसिकली ऑल्सो हैविंग अ जॉब ऑन द साइड एंड दिस इज़ हिज साइड हसल, तो होता क्या है कि जॉब में वो इतना बिजी रहते हैं कि बाय द टाइम दे कम होम दे वांट टू डिस्ट्रेस देमसेल्व्स बाय डूइंग सम एक्टिविटी लाइक यू नो वॉचिंग टीवी और जस्ट यू नो गोइंग ऑन द मोबाइल और लैपटॉप और डूइंग समथिंग और समथिंग जहाँ पर दे लाइक टू जस्ट शट देमसेल्व्स ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. लेकिन होता क्या है कि बहुत सी बार जो होता है वाइफ ऑल्सो इज़ बिजी इन सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ एट होम एंड इफ़ शी फाइंड्स कि हस्बैंड इज़ नॉट कम्युनिकेटिंग शी ऑल्सो फील्स लेफ्ट आउट एंड वाइसी वर्सा सेम थिंग कैन हैपन द अदर वे अराउंड ऑल्सो. सो मेकिंग श्योर दैट यू नो ऑन अ डेली बेसिस यू स्केड्यूल सम टाइम टुगेदर वेयर यू आर जस्ट देयर फॉर ईच अदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाय दैट आई कुड मीन कि सुबह मॉर्निंग में चाय का कप साथ साथ लिया आपने, हाफ एन आवर 40 मिनट टाइम साथ में बिताया, टेकिंग अ मॉर्निंग वॉक टुगेदर. इवन इस बिजनेस में स्केड्यूलिंग सम डेट टाइम्स जहाँ पर आप कुछ अलग जाके अगर यू नो व्हेन यू हैव चांसेस टू गो आउट एंड हैव सम फूड इन सम रेस्टोरेंट और डू सम एक्टिविटी टुगेदर जहाँ सिर्फ आप दोनों साथ में हो, दैट स्केड्यूलिंग सम मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और उसका ये फ़ायदा और भी होता है कि जब जैसे जैसे आपके इस बिज़नेस में यू अकम्पलिश डिफरेंट डिफरेंट गोल्स एंड लेवल्स, यू वांट टू सेलिब्रेट ईच अदर यू नो विद ईच अदर एंड दैट आल्सो गिव्स यू अ टाइम टू सेलिब्रेट योर अकम्पलिशमेंट्स विद ईच अदर. दैट मी टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अस टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाई मी टाइम आई मीन अस टाइम, दोनों का टाइम. यू नो बुक्स पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है बिकॉज यू नो द पर्सनल डेवलपमेंट यू गो थ्रू इन रीडिंग द बुक्स. लाइक वी रिकमेंड फॉर कपल्स books like you know men are from mars and women are from venus, love five love languages, all these books basically help you in figuring out ki aapki wife ka thought process kya hai aur bhagwan ne unhe different kyu banaya hai aapse ya husband aapke alag se kyu sochte hain. We also released a podcast about different personality types, the four different personality types. aap wo podcast sun ke wo kitab padh sakte hain personality plus ki to understand ki What personality type is your wife? What personality type is your husband? Unki spending habits kaisi hain? What things motivate them? What could be their anxieties? Ye sab samajhna hai dusre ke bare mein bahut zaruri hai. And that is also very important in making the marriage as well as business successful, you know. Ek aur cheez jo bahut important hai marriage mein aur also business mein, wo hai finance ko leke. Maine kya dekha hai ki bahut si baar finance ko leke arguments hote hain और मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं. जब शादी में दो लोग आते हैं तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि उनको ये फीलिंग होती है कि योर्स इज़ ऑल्सो माइन, माइन इज़ ऑल्सो माइन एंड आवर्स इज़ ऑल्सो माइन. जो तुम्हारा है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही, और जो हमारा है वो भी मेरा है. मीनिंग दे फील लाइक दे कैन कंट्रोल द फाइनेंस. और अगर शादी में एक पार्टनर फाइनेंस बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेगा, दैट कैन ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओपनली डिस्कस द बजट ऑफ द फैमिली. मेक श्योर कि खर्चे जो है पूरे आपने लिखे हुए हैं, दोनों को पता है खर्चे कहाँ कहाँ क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एक्सपेंसेस, बच्चों के लिए
घर के लिए बिजनेस बिल्डिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, देन इफ देर इज सम मनी दैट इज सेव्ड दैट यू नो हैज टू बी केप्ट सेपरेटली, एंड इफ योर इनकम इज एबल टू सपोर्ट सेपरेट स्पेंडिंग मनी अलाउंस जिसे हम कहते हैं, देन मेक श्योर दैट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ नो दैट यू नो व्हाट आर देयर अलाउंसेस, जहाँ पर उन्हें ये फ्रीडम है उस पैसे को खर्च करने के लिए इन वॉट एवर दे फील इज अप्रोप्रिएट फॉर themselves विदाउट द अदर पार्टनर पोकिंग देयर नोज, बिना दूसरे पार्टनर की दखलंदाजी के उन दोनों को ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो कुछ भी खरीदना चाहें तो वो खरीद सकते हैं. रिसेंटली वी हैड एन एग्जाम्पल जहाँ पर हस्बैंड जो था उसने 50,000 rupees खर्च करे अपने एक बाइक खरीदने के लिए और बाइकिंग गियर खरीदने के लिए, तो वाइफ को लगा कि वाई डज माई हस्बैंड नीड टू स्पेंड सो मच मनी ऑन बाइकिंग, वो वैसे भी तो एक्सरसाइज कर सकते हैं. और वाइफ ने जो था शी स्पेंड अबाउट 40,000 rupees बाइंग अ लॉट ऑफ बेकिंग इक्विपमेंट एंड किचन इक्विपमेंट, तो हस्बैंड को लगा कि बेकिंग में और इक्विपमेंट में इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, केक ही तो बेक करना है, कैसी भी बनाओगे मैं खा लूँगा. बट द वाइफ वॉन्टेड टू डू समथिंग इन अ डिफरेंट वे. सो आई एम नॉट सेइंग ईदर वन ऑफ देम वॉज रॉन्ग और राइट, ऑल आई एम सेइंग इज दैट एज लॉन्ग एज द बजट ऑफ द फैमिली इज़ नॉट गेटिंग वायलेटेड, अगर फैमिली का बजट नहीं ख़राब हो रहा है, तो उस केस में हस्बैंड और वाइफ दोनों को पता होना चाहिए कि भाई ये उनका फ्रीडम है इस पैसे को कहाँ वो कैसे खर्च करना चाहते हैं, चाहे उस पैसे से वो एक ड्रेस खरीदें या 10 dresses खरीदें, वो उनके ऊपर है. बट देर शुड बी सम अमाउंट ऑफ वेरी ओपन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन टू डू विद द फैमिली फाइनेंसिस एंड द बजट, एंड बोथ हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी फॉलोइंग दैट बजट इवन दो दे मे हैव डिफरेंट स्पेंडिंग हैबिट्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल हैबिट्स. एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि हस्बैंड और वाइफ के अंदर कभी भी एक कॉम्पिटिशन की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, बिकॉज दोनों की अलग अलग कैपेबिलिटीज़ हैं, दोनों की अलग अलग स्ट्रेंथ्स होती हैं, बोथ ऑफ देम पोजेस डिफरेंट स्किल सेट्स एंड बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड इवॉल्विंग विद टाइम. दोनों के दोनों जो है किताबों के जरिए, ऑडियोज़ के जरिए, एसोसिएशन के थ्रू दोनों अपने आप चेंज भी हो रहे हैं. सो मैंने क्या देखा है कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ यूजुअली कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, अगर वो कॉम्पिटिशन पर नहीं लग जाएँ तो दे कैन एक्चुअली लेवरेज ईच अदर्स स्ट्रेंथ्स. और दोस्तों मैंने क्या देखा कि किसी भी रिलेशनशिप में एक दूसरे के पार्टनर्स के ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं ऐसी चीज़ जो हम देख नहीं सकते. हमारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जो हमको पता है कि हमारे अंदर हैं, बट हमारे अंदर कुछ ऐसी कमियां भी हैं जो कभी कभी हमें नहीं पता होता, या हमें पता होता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि हम उन्हें कैसे हैंडल करें. तो हस्बैंड का काम क्या है कि ही हैज़ टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हिज वाइफ एंड कवर हर ब्लाइंड स्पॉट्स. कि मान लीजिए उनकी वाइफ को कुछ ऐसा काम करना पड़ा है जहाँ पर शी इज़ अनकम्फर्टेबल, तो उन्होंने उस अनकम्फर्टेबल पार्ट को थोड़ा सा कवर कर लिया बाय इंकरेजिंग हर, बाय बीइंग देयर विद हर एंड आल्सो डूइंग 50-50 वर्क और समथिंग लाइक दैट. सिमिलरली वाइफ ने देखा कि उनके हस्बैंड कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर ही इज़ नॉट कम्फर्टेबल, तो उन्होंने उनको कम्फर्टेबल करवा दिया. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी वन अपमैनशिप में मत लगिए एक दूसरे के साथ कभी भी, दैट इज़ गोइंग टू बी टोटली डेट्रीमेंटल. You have to be the best encourager for your spouse, not their best critic. आपको उनका best edifier, best encourager बनना है, ना कि उनका best आलोचक बने. That's very, very important. Appreciation is very important in a marriage relationship and successful business relationship. Because, let's face it, all of us require a lot of appreciation. हम सब लोगों को compliments और appreciation पसंद होता है. अब मैंने क्या देखा है कि बहुत सी बार शादियों में appreciation, ध्यान देना एक दूसरे को, इम्पॉर्टेंस देना, टू शो अफेक्शन, टू शो लव, एंड आई डोंट मीन बाय शोइंग लव द PDA, यू नो, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, जो कभी कभी लोग आज की तारीख में बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, विच कैन फ्रैंकली स्पीकिंग समटाइम्स इवन लुक लिटिल बिट फेक या बनावटी. इतना ज़्यादा अगर आप लोगों को सामने अफेक्शन दिखाएंगे या अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, वॉट आई मीन इज़ दैट एटीट्यूड ऑफ अप्रिशिएटिंग ईच अदर, giving each other time and attention. Husband ने देखा कि wife कुछ काम कर रही है, she is struggling, तो उन्होंने बोला चलो मैं मदद कर देता हूँ. Wife ने देखा कि husband कुछ कर रहे हैं जहाँ उनको help की ज़रूरत है, तो she can at least ask him कि मैं कुछ करवाऊँ आपकी help इसमें, बताइए क्या करना है, या फिर कम से कम एक दूसरे को encourage करें. बहुत सी बार क्या होता है कि communication जब हम बोलते हैं ना कि there should be an open honest communication, so sometimes people become too honest and too open in the communication, which means they actually start criticizing and pointing out the faults in each other also.
सो व्हाट आई मीन बाय अप्रिसिएशन इज दिस कि कभी कभी अप्रिसिएशन किस तरीके से देना है. फॉर एग्जांपल, सपोज करिए आपकी वाइफ ने कोई नई डिश क्वीन कुकवेयर में फर्स्ट टाइम ट्राई करी. वी हैव अ वेरी गुड कुकवेयर कॉल्ड क्वीन कुकवेयर एंड शी हैज़ ट्राइड अ न्यू डिश इन दैट एंड डिश डिड नॉट कम आउट वेरी वेल. तो उस वक्त यू डोंट हैव टू टेल हर अबाउट हाउ द डिश कैन बी बेटर. रादर यू शुड टेल हर, आपको बताना चाहिए उस वक्त की नई डिश आपने नई ट्राई करी, बहुत बढ़िया लगा. और बाद में समय देखते हुए संभाल कर थोड़ा सा टैक्टफुली यू कैन टेल हर हाउ शी कैन मे बी मेक इट बेटर और मोर टेस्टी नेक्स्ट टाइम. यू नो मैनी टाइम्स वी ऑल हैव टू डू बिजनेस एक्टिविटीज इन आवर बिजनेस जहाँ पर वी ऑल सीम अनकम्फर्टेबल, बट उस वक्त वी ऑल लुक एट आवर स्पाउसेस फॉर सपोर्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरी पहली बिजनेस प्रेजेंटेशन इन आवर बिजनेस वॉज टेरेबल, आई वॉज सो अनकम्फर्टेबल. बट जब मैंने अपनी वाइफ से पूछा, फीडबैक लिया, तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि यू वर ग्रेट बिकॉज एटलीस्ट यू मेड द एफर्ट एंड आई थिंक यू मेड अ गुड इम्प्रेशन. उन्होंने मुझे बोला कि आपका एफर्ट तो था वो बहुत लाजवाब था, आपने कोशिश करी और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा इम्प्रेशन दिया लोगों को. तो उससे क्या हुआ कि मुझे इंकरेजमेंट मिला कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल डू इवन बेटर. इफ शी हैड गॉन अहेड एंड टोल्ड मी एवरीथिंग आई डिड रॉन्ग, जो कि मुझे खुद ही मालूम था कि मुझसे चीज़ें गलती हो गई हैं, मैं अनकम्फर्टेबल था, वर्ड्स भूल गया था, फिगर्स भूल गया था, तो दैट वुडंट हैव हेल्प्ड प्रॉबेबली. अगर उनका क्रिटिसिज्म मिलता तो शायद मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई भी नहीं करता या रुक के ट्राई करता. सो अप्रिसिएशन एक दूसरे को देना बहुत ज़रूरी है. बहुत सी बार क्या होता है कि हम लोग जो होता है ना, मैरिज में रिलैक्स हो जाते हैं, खासकर इंडिया में. एटलीस्ट इन इंडिया मेनी टाइम पीपल बिकम टू रिलैक्स इन अ मैरिज बिकॉज दे फील लाइक द होल लाइफ वी आर गोइंग टू बी मैरिड नाउ ओनली, सो व्हाट्स द रश. यू नो सारी उम्र जो है हम लोगों को साथ ही रहना है, तो मैं कल या परसों बोल दूंगा, अप्रिशिएट कर दूंगा, या कल या परसों जो है मैं थोड़ा सा यू नो ठीक कर लूँगा या बात कर लूँगा. तो लोग जो होते हैं बहुत सी बार जो होता है वो अटेंशन देना या अप्रिशिएशन करना भूल जाते हैं. सिंपल सिंपल थिंग्स लाइक ओपनिंग द डोर, यू नो मेकिंग श्योर दैट कार का डोर खोल दिया, मेकिंग श्योर दैट उनका जो पर्स है या हैवी बैग है कुछ उनके हाथ में ले लिया उनसे, थिंग्स लाइक दैट. यू नो मेकिंग श्योर दैट यू होल्ड देयर हैंड व्हेन देयर क्लाइंबिंग डाउन द स्टेयर्स समटाइम्स, अगर वो सीढ़ियाँ जो हैं थोड़ी सी अनइवन है, थिंग्स लाइक दैट. यू नो दे वेरी इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू केयर. एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज़ अबाउट फाइंडिंग ईच अदर्स ड्रीम एंड हेल्पिंग ईच अदर एंड एम्पावरिंग ईच अदर. एक दूसरों के सपनों के बारे में बात करते रहना बहुत ज़रूरी है. दोस्तों बहुत सी बार क्या होता है कि शादी के बाद हम लोग अपने जो सपने होते हैं ना बचपन के, कभी कभी एक दूसरे को नहीं बताते और उनको हम लोग कहीं ना कहीं छुपा देते हैं. मैनी टाइम वी डोंट टॉक अबाउट आवर चाइल्डहुड ड्रीम विद अवर स्पाउसेस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट ऑल द राइट थिंग्स अबाउट योर स्पाउस. व्हाट डज शी लाइक और व्हाट डज ही लाइक. अगर टाइम है, फ्रीडम है, तो वो लाइफ में क्या चीज़ें करना चाहेंगे. मे बी दे वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग्स ऑन देयर बकेट लिस्ट, यू नो लर्न अ न्यू इंस्ट्रूमेंट. हो सकता है आपकी वाइफ ने कभी स्कूल में कथक डांस सीखा था लेकिन वो नहीं कर पाई, एंड मे बी शी अगेन वॉन्ट्स टू लर्न डांसिंग ऑल ओवर अगेन, अगर उनके पास टाइम हो, फ्रीडम हो और वो घर से थोड़ा छुट्टी पा सकें. या हो सकता है आपके हस्बैंड कोई बचपन में कोई स्पोर्ट्स खेलते हो जहाँ पर उनको लगता था कि मेरा स्पोर्ट्स छूट गया, एंड अगेन ही वॉन्ट्स टू टेक इट ओवर अगेन. मैनी मैनी थिंग्स अबाउट यू, अबाउट योर स्पाउस यू हैव टू डिस्कवर. बिकॉज मैरिज में मैंने क्या देखा है कि जिस मैरिज में कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट ऑफ डिस्कवरी या कोई एलिमेंट ऑफ समथिंग न्यू, एक न्यूनेस रहती है, वहाँ हमेशा यू आर ऑलवेज फाइंडिंग समथिंग दैट यू आर अप्रिशिएटिंग एंड दिस इज समथिंग दैट यू आर सरप्राइज अबाउट योर स्पाउस इन अ गुड वे सरप्राइज, यू नो, एंड यू ऑलवेज फाइंड समथिंग दैट यू एडमायर इन देम एंड दैट कीप्स द रिलेशनशिप वेरी मच न्यू ऑलवेज. डलनेस नहीं आती उसमें. सो मेकिंग श्योर दैट यू हैव टू ऑल्सो एम्पावर योर स्पाउस. एम्पावर कैसे? जी दोस्तों, एम्पावर इस तरीके से कि इस बिजनेस में मैंने क्या देखा कि बहुत सी बार हम लोग ना आर्ग्यूमेंट्स, देखिए हर मैरिज में होते हैं, एवरी मैरिज गोज थ्रू आर्ग्यूमेंट, बट बहुत सी बार क्या होता है कि मैंने देखा कि जब कहीं आर्ग्यूमेंट होता है तो पीपल फॉरगेट कि एक मैरिज में, आर्ग्यूमेंट में कभी भी देर इज़ नो विनर एंड देर इज़ नो लूजर. Making sure that you know you never ever try to carry on an argument overnight. हमारे यहाँ तो ये ground rule है कि भाई अगर कभी भी कुछ argument होता है तो वो रात होने से पहले पहले, शाम से पहले पहले, जब हुआ as fast as possible उसको हटा दो. Never carry over an argument overnight. Try to get rid of it as soon as possible. Number one.
In an argument, make sure that doesn't matter who's wrong. One person has to always take the lead and say, I'm sorry, dear, mujhse galti ho gayi, so sorry. Why? Because it doesn't matter galti kiski thi, because aapko waise bhi koi hisab kitab to rakhna nahi hai. There is no point keeping track of who's wrong how many times, because like I said, in a marriage argument, there is never any winners, there are never any losers. So you be the first one. Mera to yehi advice hota hai hamesha husbands ko. कि भाई जब भी आर्ग्यूमेंट हो किसी भी चीज़ का फॉरगेट अबाउट इट यू बी द फर्स्ट वन टू से सॉरी डियर आई एम सॉरी एंड आगे से नहीं करूँगा एंड यू नो इट टेक्स स्ट्रेंथ टू डू दैट व्हाई बिकॉज यू वांट टू मेक योर वाइफ हैप्पी एंड यू वांट टू काम हर डाउन एज मच एज पॉसिबल गलती किसकी हो हाउ डज इट मैटर अब पता नहीं आई गिव दिस एडवाइस टू सो मेनी हस्बैंड्स आई डोंट नो हाउ मेनी मे बी नॉट एवरीबडी फॉलोज इट बट स्टिल इट्स ओके So finding each other's dream, helping them to discover themselves, making sure that you never ever hurt their self-respect, unka atma-samman ko bhi thes na pahunchaiye. Making sure that, you know, when you're talking about their dreams, never laugh at them. Kabhi bhi aap koi sarcastic remark na pass kare because subconscious does not know the difference between a true statement and a sarcastic remark. बहुत सी बार हम लोग व्यंगात्मक तरीके से कोई बात करते हैं अपने हस्बैंड या वाइफ से और जो सबकॉन्शियस जो होता है माइंड वो व्यंग का मतलब नहीं समझता है इफ़ यू आर सेइंग समथिंग इन अ राउंड अबाउट वे डोंट मेक एम्बिगुअस डोंट पास गिव एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट्स डोंट गिव ऑकवर्ड कॉम्प्लीमेंट्स यू नो ऑलवेज बी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंसियर इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस विद योर स्पाउस बिकॉज दैट विल गो इन टूवर्ड्स बिल्डिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप See, ultimately, it's all about empowering each other. Because, like I said, you know, husband and wife were not meant to basically compete with each other. They were meant to basically complete each other and, you know, complement each other. So, ek dusre ke purak bane, ek dusre ke ko complete karein. Ek dusre ke saath kabhi bhi compete ya aise competition ki bhavna na rakhein. Ek dusre ko compliment karein. Jo aap mein hai, wo unme nahi hai. Aur jo unme hai, wo shayad aap mein nahi hai. बहुत ही बार ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि इस बिज़नेस में आने के बाद ऑर्डनरी कपल्स जो होते हैं दे बिकम पावर कपल्स बिकॉज दे वर्क सो वेल टुगेदर दे आर एबल टू हैंडल थिंग्स टुगेदर पूरी टीम को संभाल लेते हैं लोग दे अट्रैक्ट दे बिकम लाइक अ मैग्नेट दे आर एबल टू अट्रैक्ट पीपल एंड दे आर ऑलवेज ऑलवेज स्पीकिंग वेरी लविंगली एंड रिस्पेक्टफुली टू ईच अदर ऑलवेज बोथ ऑफ द स्टेज एंड बोथ ऑन द मतलब बिजनेस में भी और privately be they are always speaking lovingly and respectfully to each other very very important to do all these things so dosto ye jo maine aapko kuch tips di mujhe lagta hai ye jo cheeze hain ye basic common sense ki cheeze hain वैसे तो ये subject itna vast hai ki iske bare mein jitni baat ki jaye utni kam hai this subject is so vast no matter how much we talk about it there can always be something more to talk about but we thought that we'll make a beginning and Just talk about a few things we felt were really important. So take care, all the best. We love you. Talk to you very soon. Bye for now.